ना ट्रेन में बैठ गए और शुरुआत हो गई है ऊंझा से अजमेर की। लेकिन एक आदमी को बहुत दुख हुआ है, उसके लिए आप लोग माफ़ी चाहेंगे। ये मेरा दोस्त जुबेर ब्लॉग, और बरसात भी हो रही है, लेकिन दुख इस बात का है कि भाई को बिस्किट बांटने का मौका नहीं मिला। मिला तो हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, भाई को चाहिए था, इस बात का हमें दुख रहेगा। अब जिससे माफ़ी चाहते, सॉरी मेरे दोस्त, माफ़ किया कि नहीं जल्दी चाय चाय बापू माफ़ कर दिए, तू माफ़ कर दे तो टकले पे देता है, माफ़ कर दिया, बहुत अच्छा लड़का है। कभी मुंबई में रहेंगे तो गवंडी में मिलना ऐसे जरूर, कौन सी बिल्डिंग में रहता है बता दे। शादी हो गई है, कुंवारा नहीं है, पहले बता देना, रिश्ते के लिए मना है। फर्स्ट स्टॉप आया है ऊंझा के बाद सिद्धपुर, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश का भी मौसम और स्टेशन एकदम फर्स्ट क्लास चमकते हुए स्टेशन है। और हमारे जुबेर भाई भी चमक रहे एकदम फर्स्ट क्लास, और इंस्टाग्राम रील बनाने की तैयारी में है भाई साहब। अपने को तो कुछ आता ही नहीं है, खाली वीडियो शूट करते, भाई लोग को पसंद आता है, लोग फिल्टर सॉन्ग वॉन्ग लगा के सब पहुँचा देते हैं इंस्टाग्राम पर। और बारिश का मौसम है फिलहाल, मजा ही चल रही है हमारे तो। एंजॉय द लाइफ। हाँ बात है यार, क्या बादल, क्या फॉग है यार, पहाड़ों पे फॉग ही फॉग। ओ माय गॉड, क्या नजारा है, वाह एक नंबर, बहुत हार्ड, ऐसी खूबसूरती और कहाँ। आबू रोड आया भाई, वो माउंट आबू का पहाड़ था, ये आबू रोड है, यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर पे रहेगा शायद वो पहाड़, इतना आइडिया नहीं, पता चलेगा तो ज़रूर कोशिश करूँगा जाने वहाँ पर भी टाइम मिला तो। माउंट आबू आया, देखो रबड़ी खा रहे भाई, तो आबू रोड की इसका ख़त्म ही हो गया, बहुत पास खा रहा है तो। ये भाई भी आराम से खा रहा है, ट्रेन छूट गई बोले, और एक लेता था नहीं तो, वो खा रहा है और मेरा खाना बाकी है। ये मेरी है रबड़ी, फोटो लेगा मेरे साथ लेना सीधा, इंस्टाग्राम का हीरो है ये, रबड़ी की फोटो खींच के अभी लेगा। बाहर के इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे चल रहे हैं, और इन लोगों को अब बोले नज़ारे क्या देखे, इतना प्यारा मौसम है, बरसात का, और इतने प्यारे खूबसूरत पहाड़, खेत, मतलब सब कुछ देखने मिल रहा है, नदी, और ये लोग तो भाई मोबाइल, आजकल की दुनिया बर्बाद हो गई मोबाइल, कसम से सही बोल रहे, देखो बर्बाद हो गया है, उसको मत देखो, उसका चश्मा देखो, हाँ उसका नंबर बिचारे का बहुत बढ़ गया है। कोई मेरा ब्लॉग जो देख रहा है, कोई डॉक्टर अच्छा हो, सजेशन कुछ दे सकता है तो दे दो, मेरे भाई को चश्मा हटाने का है अपने आँखों से, अपनी शुद्ध आँखों से, आँखों में कुछ हुआ नहीं ऐसा लगता है, लेकिन कुछ इलाज हो तो बताओ, नहीं तो भाई का भला हो जाएगा। शाम के 5:30 हो रहे हैं और इन लोग 2 बजे से सो रहे, बहुत सोए, मैं भी आधा घंटा सोया। अभी अजमेर आ चुका है, अजमेर नाम आया है लेकिन स्टेशन का पता नहीं है, 20 मिनट से गाड़ी खड़ी है, लगता करेक्ट टाइम पर पहुँचाएगी, 5:30 बज गया इधर पर, 6:45 मतलब 5:50 के वो पहुँचने का टाइम है लगता, बराबर वही टाइम पे जाएंगे। बादशाह भाई यार ले तसले खुजा रहे हैं, और एक और जितना सर खुजाएगा उतना पैसा आएगा, है ना, सर खुजा खुजा के पैसा निकाल रहे हैं। पाशा ग्रुप समा को पाशा ग्रुप में ऐड कर, आ गए खाजा जी आपकी नगरी, अजमेर पहुंच गए फाइनली, अजमेर शरीफ पहुंच गए हम लोग, 5 नंबर पे छोड़ी भाई, भाई 5 नंबर पे जोड़े ले, 5 नंबर पे क्या, 5 नंबर पे हम लोग आए नहीं इधर, हाँ ये 5 नंबर पे है,
अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से सीढ़ी से उस पार, क्या फटाफट ट्रेन पकड़ के आने का। चलो फटाफट फटाफट सीढ़ी, चलो स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत, आगे आगे चलते जाओ। पांच छह ग्रुप के मेंबर्स लोग आगे चल रहे हैं, दो मेंबर आगे है, तीसरा इधर चल रहा है, यो उंगली दिखा रहा है। हाँ बाहर निकलने वाले हम लोग, स्टेशन से बाहर निकलते ही भूख लगी थी खूब, हम लोग ने दोपहर का खाना नहीं खाया था, चटरम बटरम कुछ भी खा लिए थे, समोसा वमोसा, और अभी जा रहे हैं भुर्जी ऑमलेट खाने के लिए। हमारे टॉफी भाई ने रुका है तो हम लोग बोले चलो खा पी के फिर निकलते, फिर रिक्शा पकड़ेंगे फिर निकल जाएंगे दरगाह के लिए। वहाँ पर हमारा रूम भी देखा हुआ है, बस खाली जाके बात करने का है और घुस जाने का। हेलो हेलो बाबा आ गए अजमेर की गलियों में, आ गए हम लोग, अभी जा रहे हैं अपने होटल के लिए, जाएंगे इंशाल्लाह फ्रेश फ्रेश होके सलामी देने। ये देखो ये देखो गाड़ी कैसे चलाने देते क्या मालूम इधर गलियों में, ये रूम की गलियाँ, सुकून होटल के बाजू की गली है जो कि हमारे रूम के पास जाती है, एकदम सीधा सीधा, ज़्यादा मगजमारी नहीं और अच्छा भी और सस्ता भी रूम। हमारा होटल बदली हो गई है और अभी जा रहे हैं हम लोग ऊपर, तीन माले पे है, कल सुबह हम लोगों को पहले माले पे शिफ्ट किया जाएगा। 900 रुपये में एसी वाला रूम मिल गया एकदम फर्स्ट क्लास, दिखाऊंगा तो दिल खुश हो जाएगा तुम लोग का देखना। अभी दो लोग पहुंच गए, हम लोग दो बच्चे बस ऊपर चढ़ ही रहे, पहली बार तीन माला चढ़ो पहुँच गया। टेंटेड एंड ये रहा हमारा रूम और ये हूँ मैं, टीवी चल रही है और सामने तारागढ़ दरगाह, टॉयलेट टॉयलेट फुल है, टॉयलेट फुल है, हमारा जुबेर अंदर है और हम लोग आहा एकदम नरम बेड मिल रहा है। आई एसी देखो, विंडो एसी है लेकिन एक नंबर, एकदम फास्ट है, एकदम मजा आने वाला है। तीन दिन गर्मी बहुत है अजमेर में, जो भी आ रहा है भाई एसी का रूम लेना। अभी ये होटल का मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि जो पिछली बार होटल में रुका था वो फुल हो चुकी है, इसी वजह से मुझे थोड़ी भागम दौड़ी करना पड़ा और फिर ये होटल में रूम मिल गया।